right, guys. We heard it so many times that we are the country of youngsters. We have a huge amount of youth population. It's really important data. According to this article, desh ki 65% abadi 35 saal se kam ki hai. और उसमें से बहुत सारे कर रहे हैं. यू नो वेरी वेल व्हाट आवर यूथ इज डूइंग इन दिल्ली मेट्रो. अपार्ट फ्रॉम दैट, मेकिंग दीज एजुकेटेड रील्स, दे शुड कंट्रीब्यूट इन वोटिंग बिकॉज 40% इज अ बिग नंबर. मतलब सोचो, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं 18-19 साल वाले, उनमें से 40% ने भी अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया वोटिंग के लिए. ये तो हालत है कि आपको वोट करना ही नहीं है यार. वो बेचारे रील्स बना रहे हैं और जो कुछ बच गए वो ड्रीम 11 पे टीम बना रहे हैं. अभी आईपीएल में जाके आप पूछ लो कौन सा प्लेयर नया है, इसका क्या प्राइस था, इसका एवरेज क्या चल रहा है, सब बता देंगे. पर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन सा बंदा इलेक्शन लड़ रहा है नहीं बता पाएंगे. बाय द वे, दिस गाय, या आई मीन देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द पिक्चर. अगर ये अपने यू नो कोट को अनबटन कर ले तो थोड़ा कंफर्टेबली बैठ जाएंगे. जस्ट सेइंग Leave that. Those people who are actually a big boss fan, बहुत इज्जत से लिखते हैं, big boss winner ने ये किया. And majority of people are following big boss. They should not. But इनको ये भी नहीं पता होता है कि देश में चुनाव कब से है. ये तो हालत है. सर, मैं अभी वोट देने जाऊंगी तो आप लोगों ने दिया? अभी तो 28 टाइम है क्या? कैन यू बिलीव दैट, 18 साल का होने का कितना क्रेज होता है कि 18 को मैं ये करूंगा, वो करूंगा, अपना पहला वोट डालूंगा. और यहाँ पे लोगों को रजिस्टर ही नहीं कराना है. बिहार और अदर स्टेट्स में तो हालत और खराब है. यंग पीपल डोंट गिव अ शिट अबाउट पॉलिटिक्स, इसलिए कोई भी आके कुछ भी बोल देता है और वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ. एंड इफ यू टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस, आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज, लाइफ इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस. यू शुड हैव अ ग्रेट कॉन्फिडेंस. मोदी जी का कॉन्फिडेंस चेक करो, ऐसे वो 400 पार नहीं बोल रहे. वो बिल गेट्स को बता रहे कि फोटो कैसे सेव करना है और कैसे वो गैलरी में जाएगी. पूरा 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 प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस. ये मेरा फोटो बूथ है, अब आप सेल्फी ले लीजिए इस पर. मोदी जी एक्सप्लेनिंग बिल गेट्स कि फोटो कहां सेव हो रही है. द गाय हु इन्वेंटेड माइक्रोसॉफ्ट, दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस. मोदी जी गिविंग टेक ज्ञान to Bill Gates. Not only this, since last 20 years, मेरे साथ आपकी जितने भी फोटो होंगे, जितने भी मेरी फोटो होंगे 20 साल की, सारे इस पर आ जाएंगे. See the confidence, the way he's explaining him, कि छोटे से गांव से कोई आया है और वो बता रहे हैं, देख बिल्लू, ऐसा होगा. जितने भी मेरी फोटो होंगे. And just hold down for a second. Just listen to me, guys. मोदी जी यहाँ पे फोटो कैसे लेना है और उसको अपलोड करना बिल गेट्स को सिखा रहे हैं. But ha, his company Microsoft is actually giving us a warning. And this entire warning is regarding to the elections in 2024. Just listen to it. Tech company Microsoft ने चेतावनी दी है कि चीन भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करेगा. चीन ने ऐसा ही कुछ जनवरी में ताइवान में हुए चुनाव में भी किया है. So be careful. बहुत सारे खतरे मंडरा रहे इस बार. और याद रखना, देश से बढ़कर कुछ नहीं. और इनका फेवरेट सॉन्ग तो चला ही देते हैं अभी. चिन माधर बहुत दिनों बाद सुना ये गाना. ओके, लेट्स कम बैक टू मोदी जी कॉन्फिडेंस. जितने भी मेरी फोटो हो ये चाहिए. अभी विपक्ष को देखो, पूरा विपक्ष अंडर कॉन्फिडेंट है. और विपक्ष से जो नेता आ रहे वो जो कॉन्फिडेंस दिखा रहे वो भी चकनाचूर हो रहा है. मिस्टर गौरव वल्लभ, द जीरो किंग. संबित भैया, 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं बताना. मिस्टर गौरव वल्लभ शुड अंडरस्टैंड दैट ही शेमलेसली चेंज द पार्टी. So he should be keep quiet. He should not jump. दो अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी में आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी में छलांग लगा रहे हो और उसके बाद छाती ठोक के बोल रहे हो कि वो लोग कितने गलत थे. कहीं तो आप भी गलत हो गए, वो पकड़ लिए गए. मैंने कभी भी इनके बारे में अपशब्द नहीं कहा. तो he went to a Godi channel with so much of confidence, that confidence, and उनको लगा मैं भी कुछ ही पेल दूंगा, कौन पकड़ेगा, सब अपने ही तो है. तो यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई. आप ही का बयान जरा प्ले करिए. अम्बेडकर की विचारधारा पढ़नी चाहिए, पंडित नेहरू की विचारधारा पढ़नी चाहिए. हम उस विचारधारा का समर्थन उन लोगों को कैसे पाठ्यक्रम में इंक्लूड कर लें जिन्होंने अंग्रेजों से 60 रुपए पेंशन लेके देश के जो स्वतंत्रता सेनानी है उनकी मुखबरी की. या उनको पकड़ लिया, उसने पुरानी क्लिप दिखा दी. डिफरेंस, आप झूठ बोलो तो आपको काउंटर करने के लिए वो वापस ना आए, ये भी आपको सोच समझ के चलना पड़ेगा.
हमारी प्यारी बोबड़ी से मिलो। मंडी से आप इलेक्शन लड़ रहे हो, मंडी के लोगों की प्रॉब्लम्स को बताओ, आपको इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं, उनका दिल जीत लो, वो आपको खुश होकर वोट देंगे। पर नहीं, इतिहास में जा जाके खोजबीन करनी है। देर आर थिंग्स, देर आर पिक्चर्स, देर आर सम थिंग्स, यहाँ पे डिबेट पूरी हो सकती है कि बने थे नहीं बने थे, पर इनके इस वक्तव्य पे फिर से सुन लीजिए। जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, मिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा भी आ गए और उन्होंने कहा नहीं नहीं यही कह रही है, सही कह रही है, बिल्कुल हाँ, नेताजी ही थे पहले प्रधानमंत्री। फिर उसके बाद नेताजी की फैमिली से कोई आता है और वो बोलते हैं कि यार मत करो इतिहास के साथ छेड़छाड़, फिर भी ये दोनों नहीं मानेंगे, ये बोलेंगे नहीं आप समझ नहीं रहे, नेताजी ही थे। उनके पोते बोल रहे हैं कि अपनी राजनीति के लिए इतिहास खराब मत करो, पर ये दोनों फिर भी बोलेंगे नहीं नहीं आपको नहीं पता, हमको पता। रोज कुछ ना कुछ नया लेके आ जाते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं होती, इसीलिए तो इसे लाए हैं। सही नहीं किया जिगरा भाई। बट पीपल शुड थिंक हार्डर ऑन दिस। मोदी जी इतने कॉन्फिडेंट क्यों है 400 पार? और मीडिया की हालत तो वो चल रही है कि अगर मोदी जी बोलते 600 पार तो मीडिया उसको भी जस्टिफाइड कर देगा। नहीं नहीं, ये डिबेट हुई है, ये किसी प्रवक्ता ने बोला है, मेरे खुद के शब्द नहीं है, लिसन टू अस। अगर मोदी जी कहते ना कि 543 में हम 600 वोट ला रहे हैं, 600 सीट लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये नहीं पूछा जाता कि 543 ही सीट है, बल्कि ये दिखाया जाता कि 600 सीट एनडीए कैसे जीत रही है। सॉरी मैडम, इसलिए मैंने आपको कहा कि बुरा लगेगा। ऑल मैथमेटिक्स गोइंग ऑन। फिलहाल 400 पार को छोड़ो, 4 करोड़ मिले एक नेता के पास, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो जनता की भलाई के लिए खर्च करने के लिए जा रहा होगा। दिस वॉज द न्यूज ऑन आज तक, प्लीज लिसन टू इट। तमिलनाडु से, जहां चुनावी हलचल के बीच बीजेपी सांसद के भाई के पास से 4 करोड़ कैश जब्त किया गया है। ये बरामदगी तंबारम रेलवे स्टेशन से हुई है। 6 बैग थे, इसमें 4 करोड़ रुपए मिले। कमाल है, आज तक वालों ने खबर चला कैसे दी। और बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट द डिबेट्स ऑन आज तक, अंजना जी इधर देखिए, लिटरली विपक्ष के लोग प्ले कार्ड लेके बैठते कि हमारी बात तो सुनो। मैं तो कह रही हूँ संजीव जी, आप स्क्रीन से हट ही जाइए, ये पोस्टर पकड़ बाहर रख दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन वापस आ जाते हैं टॉपिक पर। देखिए, अब वो आपके नेता के खिलाफ कुछ लेकर ऐसे प्ले कार्ड पकड़ जाए। देखो अंजना जी कितनी परेशान हो रही है, लगातार इस तरह से पकड़ना मुझे लगता है कि तरीका ठीक नहीं है। अब ये बैठ के केजरीवाल जेल में लेके खड़े हो जाए, वो कुछ लेके खड़े हो जाए, ऐसे तो फिर डिबेट में कुछ मतलब नहीं होगा ना। बट रूलिंग पार्टी में हमारे सबसे प्रिय कोई नेता है तो वो है नड्डा साहब। यू नो द रीजन वेरी वेल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द आयरनी ऑफ हियर। नड्डा साहब, रूलिंग पार्टी, देश की सबसे अमीर पार्टी, सबसे ज्यादा कंट्रोल है, 400 पार का दावा है, हर चीज पे पकड़ है, पर नड्डा साहब की वाइफ की कार चोरी हो जाती है और मिलती नहीं है, फिर वो मिलती है कई महीनों बाद। देखिए, 18 मार्च को दिल्ली से कार चोरी हुई थी और अब वाराणसी से उस कार को बरामद किया गया है। सो फाइनली बूइंग नड्डा साहब इज हैप्पी नड्डा साहब। बट वी शुड नॉट टॉक अबाउट द पर्सनल लाइफ ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, बट हियर वी हैव टू डिस्कस क्या चल रहा है निर्मला ताई के यहाँ। मतलब क्या घर में बहुत लड़ाई वड़ाई हो रही है, क्या बोल रहे हैं हस्बैंड ऑफ निर्मला सीतारमन जी, आई मीन व्हाट ही इज सेइंग, अगर इसमें थोड़ा सा भी सच है तो समझ जाओ यार। तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनती है तो आपको क्या लगता है देश में फिर आगे क्या होने जा रहा है? फिर और एक चुनाव की उम्मीद आप मत कीजिए। ये बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट या व्हाई ही सेइंग दैट, ही इज द हस्बैंड ऑफ निर्मला सीतारमन जी, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। अभी जो उसको काटो, उसको ये करो, उसको बाहर कर लो, उसको जाने दो, उधर पाकिस्तान जाने का है, ये इसको ये करना है, उत्तराखंड से और धर्म संसद से, इधर से उधर से, इसको ये नहीं खाना है, उसको वो नहीं खाना है, ऐसे सुन रहे हैं ना, ऐसी बातें आप लाल किले से सुनेंगे। The things which he is saying is actually scary. And now let's talk about the situation of Bihar. Mr. Prashant Kishore, people admire him so much. He said by himself, I'm going to play this for you, कि पिछले 10 सालों में बिहार के विकास के लिए एक भी बैठक नहीं की मोदी जी ने। उस आदमी ने 10 बरस में आपके और आपके बच्चों के लिए एक बैठक तक नहीं किया, और कल अभी वोट होगा तो फिर मोदी का चेहरा देखकर उछल उछल के वोट दीजिएगा कमल पर। ये उनका कहना, मैं नहीं कह रहा हूं। इस बीच, नो लिसन टू मी, आई नीड टू कंप्लीट दिस। इस बीच मिस्टर नीतीश कुमार मोदी जी से मिलते हैं और नेशन वॉन्ट्स टू नो कि ये क्या छूने की कोशिश कर रहे थे। बट इस न्यूज के हिसाब से पैर हम सभी लोगों के, नो, डोंट टेक मी रॉन्ग, बिकॉज ही वाज सिटिंग एंड माइट बी पॉसिबल घुटना टकना है भाई, पर या नीतीश कुमार जी,
मतलब ये जो नेता पलट पलट के दूसरे दलों में जा रहे हैं, अभी तक नीतीश कुमार जी के पलटने को बीट नहीं कर पाए। सब चल रहा है गाइस, वी कीप ऑन अपडेटिंग यू। इफ यू लाइक दिस सीरीज प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। लव यू 3000। तो करना।